Very good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will learn about traffic rules. ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं आज हम इसके बारे में लर्न करेंगे. प्लीज़ पे अटेंशन हियर. ट्रैफिक एंड द रोड. टीचर, टॉम कैन यू टेल व्हाट इज़ ट्रैफिक. टॉम कैन यू टेल व्हाट इज़ ट्रैफिक. टीचर टॉम से पूछ रही है क्या आप बता सकते हो ट्रैफिक क्या है. टॉम, यस मैम. यस मैम, ट्रैफिक इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स ऑन द रोड. ट्रैफिक इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल. ट्रैफिक इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स ऑन द रोड. मीन्स ट्रैफिक क्या होता है. मूवमेंट ऑफ पीपल मीन्स लोगों का मूवमेंट. लोग जो पीपल मीन्स लोग. व्हीकल्स गाड़ियाँ. गाड़ियाँ और पीपल जो रोड पर चलते हैं उसे ही हम ट्रैफिक कहते हैं. ओके, ट्रैफिक इज़ द मोमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स ऑन द रोड. रोड पर चलने वाले लोग और गाड़ियाँ ही ट्रैफिक कहलाते हैं. टीचर, हु इज़ ट्रैफिक पुलिसमैन. हु इज़ ट्रैफिक पुलिसमैन. ट्रैफिक पुलिसमैन कौन होता है. टॉम, ही इज़ द पर्सन हु कंट्रोल्स एंड गाइड्स द ट्रैफिक. He is the person who controls and guides the traffic. Traffic policeman वो है होता है जो person को लोगों को control करता है और traffic को control करता है और guide करता है. Teacher, what is the footpath? What is the footpath? Footpath क्या होते हैं. Tom, it is the path for people on foot. Footpath किसे कहते हैं. It is the path means वह रास्ता जिस पर लोग पैदल चलते हैं उसे हम फुटपाथ कहते हैं. नेक्स्ट, टीचर, व्हाट इज अ जेब्रा क्रॉसिंग. व्हाट इज अ जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग क्या है. टॉम, इट इज वेयर पीपल ऑन फूट क्रॉस अ रोड. इट इज वेयर पीपल ऑन फूट क्रॉस अ रोड. जेब्रा क्रॉसिंग वह होता है जहां लोग पैदल चलकर रोड को क्रॉस करते हैं. क्रॉस करना मीन्स एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं. रूल्स ऑफ द रोड. रूल्स ऑफ द रोड. रोड में चलने के क्या रूल होते हैं उसे लर्न करेंगे. ओके, टीचर, वेयर शुड वी वॉक ऑन अ रोड. वेयर शुड वी वॉक ऑन अ रोड मीन्स रोड पर हमें किस साइड चलना चाहिए. Where should we walk? हमें किस तरफ से walk करना चाहिए. हमें कहाँ walk करना चाहिए. Where should we walk on a road? Road पर हमें कहाँ walk करना चाहिए. कहाँ चलना चाहिए. Tom, we should walk on the footpath. We should walk on the footpath. हमें footpath पर walk करना चाहिए. जो footpath बने होते हैं पैदल चलने के लिए वहाँ हमें walk करना चाहिए. Teacher, which side of the road should we move? Which side of the road should we move? हमें रोड के किस साइड की ओर चलना चाहिए. Tom, we should move along the left side. We should. Should means चाहिए. We means हमें. हमें मूव करना चाहिए along the left side. Left side की ओर हमें हमेशा रोड पर चलना चाहिए. Teacher, how should we cross a road? How should we cross a road? रोड हमें कैसे क्रॉस करना चाहिए. हमें किस नियम से रोड को क्रॉस करना चाहिए. टॉम, फर्स्ट वी शुड लुक टू द राइट. सबसे पहले हमें राइट साइड में देखना चाहिए. देन टू द लेफ्ट. उसके बाद लेफ्ट साइड देखना चाहिए. एंड देन अगेन टू द राइट. उसके बाद फिर से राइट की ओर देखना चाहिए. इफ़ इट इज़ क्लियर. यदि रोड हमें क्लियर दिखे, साफ दिखे, कोई आता जाता नहीं दिखे, वी कैन क्रॉस ओवर. उसके बाद हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. फर्स्ट वी शुड लुक टू द राइट. पहले हमें राइट साइड देखना चाहिए. देन टू द लेफ्ट. लेफ्ट साइड देखना चाहिए उसके बाद. एंड देन अगेन राइट देखना चाहिए. फिर से हमें राइट साइड देखना चाहिए. इफ़ इट इज़ क्लियर. यदि रोड क्लियर हो तब हमें क्रॉस करना चाहिए रोड को.
टीचर वैन शुड वी क्रॉस अ क्रॉसिंग वैन शुड वी क्रॉस अ क्रॉसिंग हमें क्रॉसिंग कब करना चाहिए टॉम वैन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन जब ट्रैफिक का लाइट ग्रीन होता है तब हमें क्रॉस करना चाहिए वैन शुड वी क्रॉस अ क्रॉसिंग वैन शुड वी क्रॉस अ क्रॉसिंग क्रॉसिंग हमें कब करना चाहिए टॉम वैन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन वैन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन जब लाइट ग्रीन हो ट्रैफिक लाइट में तीन लाइट होते हैं जब ग्रीन लाइट हो तब हमें क्रॉस करना चाहिए टीचर व्हाट डज द रेड लाइट इंडिकेट व्हाट डज द रेड लाइट इंडिकेट रेड लाइट क्या इंडिकेट करता है क्या बताता है टॉम रेड लाइट इंडिकेट्स डेंजर इट टेल्स अस टू स्टॉप रेड लाइट्स इंडिकेट्स डेंजर मीन्स रेड लाइट डेंजर का इंडिकेट करता है इट टेल्स अस टू स्टॉप ये हमें बताता है कि जब रेड लाइट जला हो तब हमें स्टॉप कर देना चाहिए गाड़ी को रोक देना चाहिए ओके सो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन इस वीडियो को आप बार बार देखिए समझिए और इसे लर्न करिए ओके एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग